सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने कांग्रेस अध्यक्ष जी को पूरा अधिकार सौंपा है कि वो जल्द से जल्द अमेठी और रायबरेली के जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं उसकी घोषणा करें। ये इलेक्शन हमको बहुत ही आसान पड़ेगा अगर गांधी परिवार आ जाता है तो। देखिए काम ऐसा किया है कि अभी तक कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ। क्या आज अमेठी और रायबरेली की पहेली सुलझ जाएगी? क्या आज कांग्रेस अमेठी रायबरेली पर सस्पेंस खत्म कर देगी? ये सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि अमेठी और रायबरेली में नामांकन के लिए महज एक दिन बचा है। हालांकि दावा है कि आज कांग्रेस दोनों ही सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर देगी। कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने कांग्रेस अध्यक्ष जी को पूरा अधिकार सौंपा है कि वो जल्द से जल्द अमेठी और रायबरेली के जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं उसकी घोषणा करें। मेरा ये मानना है कि अगले 24 घंटे के अंदर कांग्रेस अध्यक्ष इसकी घोषणा करेंगे। क्या गांधी परिवार बहुत लोकप्रिय पूरे देश में प्रचार कर रहा है, लाखों लोग उनकी मीटिंग्स में आ रहे हैं। अब ये फैसला जो कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति है वो करेगी। अमेठी और रायबरेली को लेकर कांग्रेस के मन की दुविधा अभी शांत नहीं हुई है। दोनों ही सीटों पर कांग्रेस में मंथन चल रहा है, लेकिन कांग्रेस नेता केएल शर्मा रायबरेली में बिना उम्मीदवार तय किए ही जीत का दावा कर रहे हैं। नहीं, चुनावी समीकरण क्योंकि हम लोग मैं आज आया हूं, तो आज मैंने अमेठी में भी मीटिंग किया और रायबरेली में मीटिंग किया, क्योंकि अभी हमारे कैंडिडेचर को लेके कि रायबरेली से कौन लड़ेगा वहां से लड़ेगा अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ। जन भावना है कि गांधी परिवार का लड़े और मेरी भी यही भावना है कि गांधी परिवार से यहाँ लड़े। ये इलेक्शन हमको बहुत ही आसान पड़ेगा अगर गांधी परिवार आ जाता है तो। अपने ही गढ़ में कांग्रेस पशुपेश से गुजर रही है। कांग्रेस की पारंपरिक सीट अमेठी में एक बार फिर बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मैदान में है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कौन होगा ये अभी तय नहीं हुआ है। 2014 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी राहुल गांधी से 1,00,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव हारी थी, लेकिन चुनाव हारने के बाद भी स्मृति ईरानी डटी रही। 2019 में राहुल गांधी को 55,000 वोटों से हरा दिया। स्मृति जी क्या कहेंगी, 5 साल से आप सांसद हैं अमेठी की, क्या ऐसा काम किया है जिससे अमेठी की जनता आपको वोट दे? देखिए काम ऐसा किया है कि अभी तक कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ। देखिए जिस पार्टी का नेता राहुल गांधी हो आप मुझसे पूछ रहे हैं वो कंफ्यूज क्यों है? 2019 में मेरी जीत के बाद स्मृति ईरानी की हॉस्टेस बार भी आसमान पकड़ रही हैं, लेकिन अब सवाल बीजेपी के लिए रायबरेली का बचा है क्योंकि रायबरेली पर बीजेपी ने भी पत्ते नहीं खोले हैं। शायद बीजेपी इसी इंतजार में है कि कांग्रेस किसे मैदान में उतारती है, लेकिन बीजेपी दोनों ही सीटों पर उम्मीदवारी को लेकर कांग्रेस को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। कांग्रेस ने क्यों नहीं घोषित किया अमेठी रायबरेली? उनकी तो बपौती थी, वो उनका वहाँ नारा गड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी वहाँ प्रत्याशी घोषित करने से क्यों डर रहे हैं, इसका जवाब उन्हीं को देना। अमेठी और रायबरेली दोनों ही कांग्रेस का गढ़ रही है। अमेठी से संजय गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी तक चुनाव जीत चुके हैं। ऐसे ही रायबरेली सीट पर 2004 से 2019 तक सोनिया गांधी ने जीत का परचम लहराया है, लेकिन इस बार सोनिया गांधी लोकसभा चुनाव ना लड़कर राज्यसभा पहुंची है। 2024 लोकसभा चुनाव में दोनों ही पुश्तैनी सीटें कांग्रेस के लिए गले की हड्डी बन चुकी है, जो ना निकलते बन रही है और ना उगलते। अमेठी और रायबरेली सीट पर 5वें चरण में चुनाव है। 20 मई को दोनों ही सीटों पर वोटिंग है और 3 मई को नामांकन की आखिरी तारीख, लिहाजा आज नजरें कांग्रेस के खेमे पर रहेंगी क्योंकि कांग्रेस आज अमेठी और रायबरेली पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि सोनिया गांधी दोनों ही सीटों को लेकर एक्टिव हो गई है। सूत्र बताते हैं कि सोनिया गांधी ने राहुल प्रियंका से बात की है। सोनिया ने दोनों से रायबरेली और अमेठी से चुनाव लड़ने पर फिर से विचार करने को कहा है। सोनिया ने दोनों से कहा है कि अगर आप चुनाव नहीं लड़ते तो ये बीजेपी को जानबूझकर जिताने के बराबर होगा। ऐसे में देखना होगा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर ही कांग्रेस दांव चलती है या फिर नए योद्धा चुनावी मैदान में बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं।
Thank you.